मध्य प्रदेश में 3 साल से रुकी हुई नर्सिंग की परीक्षाएं आज से फिर शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं के लिए प्रदेश भर में कुल 181 केंद्र बनाए गए। नर्सिंग की परीक्षा में 30,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। हालांकि 21-22 और 22-23 सत्र के 50,000 से ज्यादा नर्सिंग छात्र छात्राओं को अभी भी परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का नर्सिंग घोटाला खूब सुर्खियों में रहा है। नर्सिंग घोटाले में पिछले 1 साल से सीबीआई जांच चल रही थी। वहीं उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच में पात्र अपात्र और तय मापदंड पर खरे नहीं उतरने वाले नर्सिंग कॉलेजों ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया था। प्रदेश ने उन सभी नर्सिंग कॉलेजों के सभी छात्र छात्राओं की परीक्षाओं के आदेश जारी किए हैं। नर्सिंग घोटाले को उजागर करने वाले एनएसयूआई नेता रवि परमार ने इसको छात्र छात्राओं की और खुद की जीत बताते हुए उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया है और नर्सिंग के सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर लगातार मध्य प्रदेश में स्थिति बिगड़ती जा रही है। शिक्षा विभाग में लगातार घोटाले हो रहे हैं। हमने ईओडब्ल्यू से भी मांग की है कि जल्द से जल्द इन मामलों पर एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं मेडिकल विश्वविद्यालय में हमने देखा कि करोड़ों रुपए का एफडी घोटाला हुआ। जिस तरह से आरजीपी विश्वविद्यालय में हुआ था उसी की तर्ज पर उससे भी बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में हुआ, जिसको लेकर लगातार जाँच चल रही है। और वहीं मध्य प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति और रजिस्ट्रार घोटालों में संलिप्त है, लेकिन मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनको संरक्षण देती है। हमने मांग की है कि जल्द से जल्द इन दोषियों को सजा हो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।